गहलोत सरकार सूबे की बेहतरी के लिए लगातार कदम उठा रही है और इसी सिलसिले में सीएम गहलोत की घोषणा के अनुपालना में प्रदेश में 5 जगहों पर स्टेट फ्लाइंग क्लब या स्कूल के लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने कवायद शुरू की है, जिसके लिए आम लोगों से 26 अप्रैल तक सुझाव मांगे गए हैं। राजस्थान में 5 जगहों पर स्टेट फ्लाइंग क्लब या स्कूल की स्थापना के लिए काम जारी है, जिसके लिए अलवर, नागौर, आबू रोड, गंगानगर, हमीरगढ़ में उपयुक्त और अनुकूल माहौल माना जा रहा है। दरअसल फ्लाइंग स्कूल शुरू करने के लिए यहां पर उपयुक्त सुविधाएं हैं, जैसे यहां हवाई पट्टियां और विमान उड़ाने, टेक ऑफ और लैंडिंग की अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध है। आबादी से दूरी और अन्य पहलुओं को लेकर भी ये जगह मुफीद है, इसीलिए सरकार खुद या फिर PPP मोड पर फ्लाइंग स्कूल का संचालन करना चाहती है। चलिए आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाते हैं। दरअसल सरकार ने आम लोगों से 26 अप्रैल तक सुझाव मांगे हैं। 15 दिन के अंदर संचालन की रूपरेखा या मसौदा तैयार हो सकता है। CM और सक्षम स्तर पर मंजूरी ली जाएगी। फ्लाइंग स्कूल शुरू करने की इच्छुक कंपनियों से इसके लिए प्रपोजल मांगे जाएंगे, तो वहीं सरकार के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद प्रपोजल को मंजूरी मिलेगी। साथ ही प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से अंजाम दिया जाएगा। सच तो यह है कि पहले भी ऐसी कवायद हो चुकी है और इसे लेकर संबंधित विभाग ने काफी एक्सरसाइज भी की, लेकिन कोई योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। पहले ये ट्रेनिंग जयपुर में स्टेट हैंगर 2 में होती थी, लेकिन ट्रेनिंग शुरू ना होने से NCC ने ग्लाइडर्स की ट्रेनिंग के लिए इसे मांगा। ऐसे में तत्कालीन CS की अध्यक्षता में 19 दिसंबर 2016 को इस बारे में हुई बैठक में ये प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था और तब से जयपुर में हवाई सेवा की ट्रेनिंग का सपना डंप माना जा रहा था। लेकिन फरवरी 2020 में CM गहलोत की ओर से बजट में हुई घोषणा में उम्मीदों के फिर से पंख लग गए हैं। सच तो यह भी है कि स्टेट फ्लाइंग क्लब या स्कूल शुरू करने की काफी पहले से मांग है। 1957 में शुरू हुए क्लब ने कई योग्य पायलट देश को दिए हैं। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया को क्लब ने ट्रेंट पायलट दिए हैं। भद्री के तत्कालीन राजा बजरंग बहादुर सिंह हिंद प्रोविंशियल फ्लाइंग क्लब के MD थे। बजरंग बहादुर सिंह के सुझावों पर ही सी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ था, जिसके तहत डबोक हवाई पट्टे पर पहला विमान उतारा गया था। 16 नवंबर 1957 से फ्लाइंग क्लब की आधारशिला रखी गई। दिल्ली, कोटा, भरतपुर, शाहपुर, बीकानेर, ग्वालियर, भटिंडा, जालंधर, इंदौर, कोटा, लखनऊ के लिए उड़ान शुरू हो सकी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फ्लाइंग क्लब के संरक्षक थे। ऐसे में कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस में धांधली का मामला सामने आया। ये मामला 2008 में स्कूल या क्लब में धांधली से जुड़ा था। धांधली के मामले के सामने आने के बाद इसे बंद कर दिया गया। हालांकि इस बीच स्कूल की मेंटेनेंस के लिए स्टाफ काम कर रहा है। ये स्टाफ सरकारी हेलीकॉप्टर और विमानों की मेंटेनेंस कर रहा है। पहले वित्त विभाग ने स्कूल के स्टाफ के वेतन की फाइल लौटाते हुए कहा था कि अगर निदेशालय खुद के बूते स्कूल नहीं चला सकता तो सरकारी पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसे में इन चुनौतियों को ध्यान में रखकर विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसे शुरू करने की मांग की गई थी, तब निदेशालय ने इसे PPP मॉडल पर शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। साथ ही PD Core को बिड डॉक्यूमेंट बनाने का जिम्मा दिया था और तब मल्टी इंजन और 2 से 4 सीटर वाले विमान की शर्त थी, लेकिन यह प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ सका। फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने जयपुर के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन अभी भी ये प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में ही है। अब इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ फाइनेंस की दृष्टि से फिजिबल बनाए रखने की ज़रूरत है, बल्कि पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए कोई गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए फुल प्रूफ इंतजाम करने होंगे। कैमरा पर्सन राम निवास के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।